जय श्री कृष्ण। आजकल भारत देश में एक फिल्म को लेकर बड़ी चर्चा है और उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की जो त्रासदी दिखाई गई है, उनको वहां घर से बेघर जो किया गया है, वो तकलीफ बहुत भयंकर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सनातन धर्म में हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यादव ने हमेशा कहा है कि सभी लोगों की मदद करो, सबके साथ मिलके रहो। उनका सिखाया हुआ यही बहुत ही अनमोल वचन है। अपने मित्र, प्यारे मित्र सुदामा जी को उन्होंने किस तरह से उनका उद्धार किया है, ये बात सब जग के सामने है। कई लोगों के कई बयान आ रहे हैं उस पर्टिकुलर फिल्म को लेके। मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार एकदम ठीक, जो मुझको लगता है जो सही है, तकलीफ दुनिया में और खासकर भारत देश में बहुत सारे लोगों पर हुई है और वो तकलीफ यकीन मानिए बहुत ज्यादा हुआ है। जब कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पढ़ते वक्त अपने रिसर्च पेपर पे, जब मुझे पता चला कि हमारा देश जहाँ पे कभी स्तन टैक्स दिया जाता था, बहुत दुखदाई है। हम अपने फैमिली को लेके अगर समझे तो बहुत ज्यादा दुख होगा। हमारा देश है जहां पे वर्ण व्यवस्था के नाम पे दलितों को, पिछड़ों को जितना तकलीफ दिया गया, उस पे मूवी बने तो शायद हम पूरी तरह से देख ना पाए, यकीन मानिए। और मैं चाहता हूं कि सारी पार्टियां मिलके ऐसी सब दुखदाई चीजें जो हुई हैं, अगर उनको प्रमोट ही करना है तो सबके बारे में प्रमोट करें। 30-35 साल पहले हुई घटना को आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। पुरानी घटनाओं को भी दिखाएं, उसको भी प्रमोट करें। मैंने एक फिल्म देखी असुरन, क्योंकि मैं भी फादर हूं। एक फादर के बच्चे को जिस हिसाब से मारा गया, वो आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आए दिन सुनते हैं दलितों को या किसी पिछड़े को, कोई भी पिछड़ा, उसमें दलित शब्द ना लेते हुए कहूं, कोई भी पिछड़े, अगर वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो उसको गिरा दिया गया, उसको मार दिया गया। जो दूल्हा बना है, ये भी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सरेआम को मारा जाना या नग्न अवस्था कर देना स्त्री और पुरुष को, बहुत बड़ी बात है। ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए, फिर वो कोई भी धर्म समुदाय के हों। जय भीम पिक्चर आई सुपरस्टार सूर्या की, जरूर देखिए। इसको टैक्स फ्री करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि ज्ञान क्या है। और जो सिचुएशन है जब एक लड़की चेयर पे बैठती है और कुछ पढ़ रही है, मैं समझ रहा था कि मैं साक्षात बाबा साहब के दर्शन भी कर रहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि कितना जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं, आई एम ए प्रोफेसर। रही बात कश्मीर फाइल्स पे जो चल रही है, यकीन मानिए मैं प्रोफेसर अवधेश यादव चाहता हूं कि उनका पुनर्वास किया जाए। उसको मुद्दा बना के आप लोगों तक मत प्रोपेगेंडा कीजिए। मैं प्रोफेसर अवधेश यादव अपनी पूरी सैलरी है 10% 20% जितनी जरूरत होगी मैं दूंगा। मैं गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते उनका पुनर्वास किया जाए, उनको कश्मीर में जो उनकी जगह है वो दी जाए। मैं समर्थन करूंगा उस चीज को। लेकिन याद रहे कि जहां और तकलीफ हो रही है दलितों पे, पिछड़ों पे, उनको भी मदद की जाए। वो सारे मूवी, चाहे सुद्रा द राइजिंग हो या जय भीम हो या असुरन हो या और चीजें, उनको भी प्रमोट करो भाई। भगवान श्री राम ने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने तो जूठे बेर खाए भील के। भगवान श्री बुद्ध जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पाटलिपुत्र में एक स्त्री के जूठे अनार को दोनों हाथों से लिया, और यकीन मानिए उन्होंने खाया भी होगा, खाया भी है। भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण रूप नारायण अवतार हैं, श्री कृष्ण वासुदेव यादव, वो तो छछिया भर छाछ के लिए
अहिरों की स्त्रियों के सामने नाचते थे, ताही अहिर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो हम भैया किसी में भेदभाव ना करके सबको एकजुट करें। और मैं फिर से कहता हूँ, दोहराता हूँ कि मैं अपनी पूरी सैलरी का 10-20-30% या पूरी सैलरी भी लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे पुनर्वास करे हमारी सरकार। ये मेरी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।